हर हर महादेव। देखिए, जिला हरदा मध्य प्रदेश से मनीष तिवारी जी हैं, इनका एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि आजकल अपनी प्रसिद्धि के लिए सभी वर्ण लोग, सभी जाति के लोग जन्मपत्री देखने लग गए हैं, ज्योतिष का कार्य करने लग गए हैं, क्या ये उचित है? क्या हर जाति वाला ज्योतिष का अधिकारी है? क्या ब्राह्मणों में भी कौन अधिकारी है, कौन ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण जो है ज्योतिष का कार्य कर सकता है, ये बतलाएं, ये पूछना चाहते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका समाधान सुने। ज्योतिष का एक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, आपने सुना होगा, उसके ऊपर राम दैवज्ञ जी का लिखा हुआ है मुहूर्त चिंतामणि। उनके ही जो भतीजे हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है पीयूष धारा नाम की टीका लिखी है, जो कि बड़ी प्रसिद्ध है गोविंद राज जी की। तो अब ये जो पीयूष धारा टीका में इस प्रश्न का समाधान दिया गया है वो अक्षरशः आप लोग श्रवण करें। देखिए, वो कह रहे हैं, एतत् जिज्ञासुर अधिकारी सच द्विज एव नान्यः। इस ज्योतिष का जो अधिकारी है वो जिज्ञासु होना चाहिए और वो भी सच द्विज एव ब्राह्मण ही है, न अन्यः, अन्य कोई नहीं है। ज्योतिष पढ़ने का अधिकारी ये बतला रहे हैं, द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों इसके अधिकारी हैं पढ़ने के। तो ज्योतिष क्या होती है, क्या है ज्योतिष, वो बतला रहे हैं। तदुक्तम नारदे नैवा, नारद जी ने भी यही कहा है। देखिए कि सिद्धांत संहिता होरा रूपस्थ स्कंद त्रयात्मकम, स्कंद त्रयात्मकम ज्योतिष जो है, सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिषास्त्र मकल्मशम, जो तीन स्कंदमयी है, सिद्धांत संहिता और होरा, जो कि वेद का निर्मल नयन है, चक्षु इंद्रिय है, उसी को जो है ज्योतिष कहते हैं। क्योंकि विनयी तद अखिलम श्रौतम स्मार्तम कर्म न सिद्ध्यति, बिना ज्योतिष के कोई भी श्रौत स्मार्त कर्म सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो किस समय किया जाए, कब किया जाए, इसका मुहूर्त तो ज्योतिष से ही प्राप्त होगा ना। तस्मा जगद्धिता येदम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा, इसीलिए संसार का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो है ज्योतिष विद्या प्रकट की गई, ताकि सभी का हित हो सके, वो अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकें श्रौत स्मार्तों के द्वारा। क्योंकि श्रौत स्मार्त कर्म कब किए जाएं, ये ज्योतिष से ही सिद्ध होगा। अतएव द्विजयी रेत दध्येतव्यम प्रयत्नतः, इसीलिए द्विजों के लिए ये प्रयत्न पूर्वक अध्ययन करनी चाहिए। अभी अध्ययन की बात चल रही है, ध्यान देना, ऐसा मत समझ लेना अध्यापन, इसका जो पढ़ाना, इसकी व्याख्या, इसका प्रयोग कौन कर सकता है, वो बात आगे बतलाएंगे। अत्रैव कारस्य पाठ मात्रेण योजने प्रयोजनम विनैव ज्योतिष शास्त्राध्ययनस्य अवकस्य त्वं प्रतीयते, द्विजैरेवेति व्याख्याने द्विज व्यतिरिक्तैः शूद्रैः नाध्येयम् इति च प्रतीयते, व्याख्याद्वयम् अपि युक्तम् एव। ये कह रहे हैं कि द्विज ही कहा गया है कि ब्राह्मणों के, द्विजों के द्वारा इसका अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए, न अन्यई, इसलिए शूद्रों को इसमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। बोले द्विज कौन है, बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही द्विज कहते हैं। बोले वो कैसे आपने देखा, वो बोले उक्तंच काशी खंडे, जैसा कि काशी खंड में स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्त्रयो वर्णा द्विजा स्मृता, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ण ही द्विज कहे गए हैं, प्रथमम मातृत्व जन्म और द्वितीयम चोपनायनात्, क्योंकि इनका पहला तो माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म उपनयन से होता है,
किनका जन्म होता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का। तो इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही उपनयन के अधिकारी हैं, नान्य अन्य अधिकारी नहीं है। यत्तु वशिष्ठ वचने, जैसा कि महर्षि वशिष्ठ के वचन में बतलाया गया है कि अध्येतव्यम ब्राह्मणैरेव तस्मात् ज्योतिषशास्त्रम पुण्यमेतद् रहस्यम्। अध्येतव्यम ब्राह्मण के ही द्वारा इसका मुख्य रूप से अध्ययन करना चाहिए। एतद् बुद्ध्वा सम्यग् आप्नोति नूनम धर्मम चार्थम मोक्षम अग्रियम यशश्च इति। तो इसलिए मुख्य रूप से ब्राह्मणों को ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष है, वो ज्योतिष वेद का अंग है, वेदांग है ज्योतिष। तो ज्योतिष लिखा हुआ ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म सडंगो वेदोध्येयोगेयश्च इति। ये जो विधान है कि ब्राह्मण के द्वारा ही निष्कारण रूप से वेदों को और वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणे निष्कारण, ये उनका धर्म है, धर्म बुद्धि से षडंग अंग छह अंगों सहित वेदोध्येयोगेयश्च, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं को समझना चाहिए। तो वो लिखा है कि ब्राह्मण ग्रहणम अध्यापने अपि आवश्यकत्वम, बोले ब्राह्मण आवश्यकत्व सूचनार्थम, बोले ब्राह्मण का, ब्राह्मण या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अध्यापन करने में मुख्य रूप से ब्राह्मण ही अधिकृत है। पढ़ने में तो भले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन अध्यापन, इसको पढ़ाना, इसकी कुंडली देखना, इसको बतलाना, ज्योतिष का प्रयोग करना, इस रूप में केवल ब्राह्मण ही अधिकृत हैं, ये कह रहे हैं, न अन्य अन्य लोग अधिकारी नहीं है। क्योंकि ऐसा कि बतलाया गया है शास्त्रों में कि प्रजानाम रक्षणम दानम विद्याध्ययनमेव च विषयेस्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समादेशात्। ब्राह्मण के लिए कहा गया यजनम याजनम चैव तथा दान प्रतिग्रहौ अध्यापनम चाध्ययनम षटकर्मा ब्राह्मण स्मृत। तो ब्राह्मण जो षटकर्मा है तो उसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों आया है, और क्षत्रिय वैश्यों के लिए केवल अध्ययन ही अध्ययन आया है। इस दृष्टि से ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण ही इसका मुख्य रूप से अधिकारी है। जैसे कि ज्योतिष जो है वो मुख्य रूप से त्रिस्कंदमयी है। सिद्धांत, सिद्धांत माने क्या होता है? सिद्धांत माने होते हैं मुहूर्त, किसी भी चीज का मुहूर्त जो है, मुहूर्त शास्त्र है, उसको सिद्धांत कहते हैं। ये ज्योतिष का एक स्कंद है। और संहिता, सिद्धांत का मतलब मुख्य रूप से गणित है, सिद्धांत का मतलब मुख्य रूप से गणित है। वो गणित जो है वो दो तरीके का है। आजकल जो गणित चलते हैं वो एक तो प्राचीन गणित है जिसको सूर सिद्धांत कहते हैं, और एक जो आधुनिक गणित है वो दृग गणित कहलाता है, दृग सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दो तरीके हैं। संहिता माने है जो अमूर्त शास्त्र, जितने भी मुहूर्त हैं वो संहिता में आते हैं। तो सिद्धांत, संहिता और होरा, होरा शास्त्र को कहते हैं फलित। तो फलित फिर कई तरीके का होता है, कुंडली के अनुसार फलित, सामुद्रिक शरीर के चिन्हों को देख करके फलित करना है ना, और एक जो है शकुन शास्त्र आदि, ये जो है इसी के फिर भेद हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये जो हो रहा है उसी को जातक भी कहते हैं, माने कुंडली इत्यादि को देख करके फलित करना। तो ये सब इनका प्रयोग पढ़ाना, इनको बतलाना, इनमें केवल ब्राह्मण ही अधिकृत हैं। लिखा हुआ यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। जिस तरीके से कोई जो मयूर होती है, मोर होती है, उसके शिखा पर यहाँ होता है ना, इसीलिए उसको शिखी कहते हैं। तो यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, जैसे शिखा जो है मयूर में सबसे शोभनीय सुशोभनीय ऊपर लगी होती है और सबसे अच्छी श्रेष्ठ होती है, इसी तरह जिस तरीके से पर्वतों में मणियां श्रेष्ठ होती हैं, और उसी तरीके से वेदांगों में सब में ज्योतिष ही जो है सबकी मूर्धा है, श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इस दृष्टि से मुख्य रूप से ब्राह्मणों को ही ये जो है पढ़ना चाहिए,
क्योंकि ब्राह्मणों के पास विद्या आकर के आग्रह करती है कि ब्राह्मण लोगों आप आकर के मेरा अध्ययन करो, मैं तुम्हारा खजाना हूं। तुम्हारा खजाना कोई धन दौलत नश्वर पदार्थ सोना इत्यादि नहीं है, तुम्हारा जो वास्तविक खजाना है, तुम्हारे जो जो सेवधि है, तुम्हारे जो धरोहर है, तुम्हारा जो एक बैलेंस है, या यूं समझिएगा तुम्हारा जो जो धन का कोष है, वो कोष मैं हूं, मुझे धारण करो। ये जो है लिखा हुआ है, विद्या हवई ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा सेवधिष्ठे हमस्मी, मैं जो सेवधे इष्टम अस्मी, असूय असूय का निर्जवे शठाय नमाम ब्रूयाद वीर्यवती तथा श्याम, मुझको किसी जो है सठ को और निंदनीय व्यक्ति को मत देना, आप अधिकारी व्यक्ति को मुझे दो और मैं आपका खजाना हूं, मुझे आप स्वीकार करो। ये विद्या स्वयं आकर के ब्राह्मणों के पास निवेदन करती है, बताइए कि हे ब्राह्मण देवता आप मुझे स्वीकार करो और मैं ही तुम्हारा खजाना हूं। पर ब्राह्मण उसको स्वीकार न करके न जाने क्या क्या लिखा हुआ है कि ये जो जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेद में वेदांगों में मेहनत न करके अन्यत्र करते कुरते श्रमम, जो और जगह जो श्रम करते हैं वो तो जो है दुष्टात्मा है, वो इसको फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनसे ज़्यादा कोई पतित और नहीं है, शास्त्रों में बतलाया गया है। मुख्य रूप से ब्राह्मणों को वेद और वेदांगों का अध्यापन करना चाहिए निष्कारणेन निष्कारण रूप से। इसलिए जैसे कि ब्राह्मण से देहोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च, ब्राह्मणों को जो शरीर मिलता है ब्राह्मण देह है वो सुख के लिए लौकिक सुख भोगने के लिए नहीं है। ब्राह्मण से देहोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते, छोटी छोटी कामनाओं को ये सब यहाँ के उपभोगों को पालन करने के लिए ब्राह्मणों को शरीर नहीं मिला हुआ है, तो किसके लिए मिला हुआ है, बोले कृच्छ्राय माने कठिनता के लिए, कृच्छ्राय तपसे चेह इह कृच्छ्राय तपसे, यहां कठिनता पूर्वक तपस्या करो इसके लिए मिला हुआ है तपस्या के लिए। और प्रेत्य अनंत सुखाय च, प्रेत्य अनंत सुखाय च, मरने के बाद फिर अनंत सुख के लिए, और आप अधिकारी हैं उसके लिए आपको शरीर मिला हुआ है ब्राह्मण का शरीर, तो यहां रह करके आप कृच्छ तप करेंगे कठोर तपस्या करेंगे तो फिर अंत में आपको सुख मिलेगा, और यहाँ मौज मस्ती में या सब छोटे मोटे कामों के इसमें कामनाओं की पूर्ति में उपभोग में रहेंगे तो फिर मरने के बाद भी फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मुख्य रूप से इन विद्याओं का अधिकार इन ब्राह्मणों के लिए ही दिया है शास्त्रों ने, तो ब्राह्मण लोग अध्ययन करें, क्षत्रिय वैश्यों को ब्राह्मणों को भी जो है अध्यापन कराएं, और उनके यहाँ ही ये सब लोग ज्योतिष से संबंधित, चाहे जो है सिद्धांत से संबंधित हो, होरा से संबंधित हो, जातक से संबंधित जो भी कार्य हैं वो ब्राह्मण लोग ही करें। और जो लोग लिखा हुआ है कि जो लोग अनधिकारी लोग हैं और थोड़ा बहुत सीख करके और वे लोग सब ज्योतिष के कार्यों को बतलाते रहते हैं, उनके लिए नक्षत्र सूची कहा गया है, ये लोग जो है ज्योतिष विद्या के अधिकारी नहीं है, वो तो जो है नरकगामी होते हैं और उनको उनके द्वारा बतलाए गए जो ग्रह आदि हैं वो सब उनके ऊपर लग जाते हैं और उनके ऊपर ही बाधा डालते हैं। तो जहां भी ज्योतिषियों की निंदा की गई है कि ऐसे ज्योतिषियों को न रखे, ज्योतिषियों से ऐसा न करवाए, तो वहां जो है उनको नक्षत्र सूची कहा गया है, तो नक्षत्र सूची को किसी भी कर्म से जो है कर्म में अधिकारी नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई ब्राह्मण यदि लोभ के कारण यदि शूद्रों को अध्यापन कराता है तो क्या स्थिति बनती है, देखिए यदाह गर्गह, गर्गाचार्य जी का मत है कि स्नेहा लोभाच्च मोहाच्च यो विप्रो ज्ञानतोपि वा शूद्राणाम उपदेशम तु दद्यात् स नरकम् व्रजेत्। जो ब्राह्मण स्नेह से लोभ से मोह से अज्ञान से न जाने में भी यदि कोई शूद्रों को ये वेदों का या वेदांगों का उपदेश कर देता है तो दद्यस्सा नरकम् व्रजेत्, वो नरक में जाता है ये बतलाया गया है।
यदि कोई पैसा लेकर के इसको पढ़ाता है तो उसके लिए भी निंदा की गई है। लिखा है कि कोई भी ज्योतिष शास्त्र की ही बात नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र सूत्र इत्यादि को नहीं पढ़ा है। धर्म सम्राट ने अपने वर्णाश्रम धर्म मीमांसा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नाध्यापये द्विजा शूद्रम तथा नैव च याजये द्विजा शूद्रम नाध्यापये। ब्राह्मण जो है शूद्रों को अध्ययन नहीं कराए तथा नैव च याजये और उनके यहाँ वैदिक मंत्रों से वैदिक प्रयोगों का याजन भी न करें अर्थात उनके यहाँ यज्ञ इत्यादि ऐसे कर्मों को भी नहीं करवाएं। लिखा हुआ है और क्या क्या नहीं पढ़ाएं, इतिहासम पुराणंच काव्यम नाटकम एव च शूद्राय चोपदेष्टारम द्विजम चांडालवत् त्यजे। देखिए इतिहास इतिहास इत्यादि कोई कहे महाभारत वाल्मीकि इत्यादि आर्ष इतिहास कोई भी पुराण उपपुराण इत्यादि काव्य काव्य शास्त्र भी देखिए कि कोई अगर चाहे कि रघुवंश इत्यादि काव्य को भी नहीं पढ़ाना चाहिए। नाटकम एव च कोई भी नाटक ग्रंथ भी संस्कृत के हों तो उनको भी अध्ययन न कराए। यदि वो कराता है शूद्राय च उपदेष्टारम यदि शूद्र को उपदेश करने वाला जो ब्राह्मण है तो उसको चांडालवत् त्यजे चांडाल के समान सभी कर्मों से जो है बहिष्कृत कर देना चाहिए। इसलिए शूद्रों को अध्यापन नहीं कराना चाहिए पैसा लेकर के भी अध्ययन अध्यापन ज्योतिष आदि शास्त्रों का नहीं करना चाहिए ये निंदित है। और बतलाया गया है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र को बिना पढ़े लिखे या थोड़ा बहुत जान करके ही और लोगों को फलादेश करने लगते हैं वो नक्षत्र सूचियों से सावधान रहना चाहिए। वो नक्षत्र सूची क्या होते हैं देखिए उनकी क्या स्थिति होती है कि ये वराह संहिता में लिखा हुआ है पीयूष धारा टीकाकार लिखते हैं कि वराह संहितायाम तल्लक्षणम उनका लक्षण बतलाया गया है किनका नक्षत्र सूचियों का कि अविदित्वैव यः शास्त्रम दैवज्ञत्वं प्रपद्यते सा पंक्ति दूषकः पापो गेयो नक्षत्र सूचकः। बोले अविदित्वैव यः शास्त्रम जो ज्योतिष शास्त्र को बिना जाने पड़े ही दैवगत्वम प्रतिपद्यते और ज्योतिषी बनकर के जो उसका ज्योतिष शास्त्र के फलत्व को प्रतिपादित कर देते हैं बतलाते हैं तो सह पंक्ति दूषक वे पंक्ति दूषक हैं। अगर कोई ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी है या कोई पंक्ति बैठी है उसमें बैठ करके वे भोजन कर लें तो समस्त पंक्ति वाले दूषित हो जाए उनको कहा गया है पंक्ति दूषक। तो नक्षत्र सूची व्यक्ति यदि आपकी पंक्ति में बैठ करके भोजन करता है तो आप भी दूषित हो जाएंगे ये बतलाया जा रहा है। और सा पापोगे या उसको तो पापी समझना चाहिए और उसका नाम है नक्षत्र सूचक। ये सब जो है वराह संहिता में बतलाया गया है और भी कई जगह इसकी जो है व्याख्या की गई है। इसलिए इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। तो ये है हमारे शास्त्रों की व्याख्या। अगर कोई ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके अच्छी तरीके से पढ़ता है और फिर पढ़ाता है और उसका अधिकार पूर्वक लोगों को बतलाता है अधिकृत अवस्था में हो करके तो वो परम पद का अधिकारी होता मोक्ष का अधिकारी होता है ज्योतिष पढ़ने से। ऐसा भी है देखिए ये महाप्रयोजनम त्वेतत् शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानात् ब्रह्म सायुज्यम इति ये लिख रहे हैं। देखिए पीयूष धाराकार कहते हैं तदुक्तम गर्गेण जैसा कि गर्गाचार्य मुनि ने लिखा हुआ है। गर्गाचार्य जी बड़े ज्योतिषी थे। बोले ज्योतिष चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्तम शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञानम च यो वेद स याति परमां गतिम वो परम गति को भी प्राप्त हो जाता है। लिखते आगे परमाम गतिम माने ब्रह्म सायुज्यम इति ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है। देखिए सायुज्य मुक्ति कैवल्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो वेद और वेदांगों की इतनी महिमा है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों का अध्ययन करते हैं वो ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन वेद वेदांगों में मेहनत न करके अन्यत्र कुरते श्रमम अन्यत्र जो श्रम करते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है कि यो न धीति द्विजो वेदान अन्यत्र कुरते श्रमम धन्यत्र कुरते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वयः।
जो ब्राह्मण क्षत्रिय भाई से वेद वेदांगों में मेहनत न करके अन्यत्र श्रमम कुरुते अन्यत्र श्रम करते हैं तो स जीवन एव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वया। स जीवन एव वो जिंदा ही जिंदा जीते हुए ही आसु माने शीघ्र ही सान्वया माने पूरे अपने आगे वंश के सहित उसके पुत्र पौत्र इत्यादि होंगे वे भी सब आसु गच्छति शूद्रत्वम वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि करके वैदिक मंत्रों का अध्यापन अध्ययन नहीं करवाते उनको ना ही पढ़ाते हैं कम से कम सावित्री मंत्र भी नहीं दिलवा देते हैं उनको तो वे तो आशु सान्वयः शूद्रत्वं गच्छति वे शीघ्र ही अपने समस्त वंश के साथ शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो बतलाया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का इसमें अधिकार है पढ़ने का और ब्राह्मण का मुख्य रूप से इसका प्रयोजन और अध्यापन करने का अधिकार है। शूद्र आदि लोग इसको अध्ययन न करें वे केवल अपने मुहूर्त इत्यादि पूछें और ब्राह्मण लोग उनको बतलाएं। ये जब शास्त्रों में बतलाया गया है ज्योतिष शास्त्र की भी बड़ी महिमा है वेद का अंग है प्रधान अंग है नेत्र है महाराज भगवान का वेद भगवान के नेत्र है ज्योतिष इसलिए ज्योतिष की भी बड़ी महिमा है। हर हर महादेव।